नेपोटिज्म की बच्ची कहे जाने पर छलका जानवी कपूर का दर्द, कहा हाँ मानती हूँ लेकिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जानवी कपूर आजकल फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। पिछले 5 साल के करियर में जानवी कपूर अब तक कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और अदाकारा ने अपनी एक्टिंग से हजारों फैंस बनाए। हालांकि फिर भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होती रहती है, जिसका दर्द उन्होंने अब खुल के खुद शेयर किया है। जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू में अपने करियर पर खुलकर बातें की और कहा कि लोग समझते हैं कि स्टार किड होने से मुझे आसानी से मौके मिलते हैं, लेकिन मैं इस वजह से काफी नुकसान में हूँ। एक्ट्रेस ने कहा, जब मैं अपने करियर के लिए बड़ी मेहनत करती हूँ, दूसरी तरफ मानसिक उथल पुथल से गुजर रही हूँ। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक्टिंग स्किल्स पर लोग सवाल उठाते हैं या नेपोटिज्म की बच्ची जैसे कॉमेंट्स करते हैं, ऐसे में मुझे बड़ा दुख होता है। आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे मौके आसानी से मिल गए हों, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा घाटा ही हो रहा है, क्योंकि लोग मेरी फिल्मों को न्यूट्रल होकर देखने नहीं जाते हैं, लोग मुझे प्रिविलेज्ड कहते हैं। जो लोग मेरे हार्डवर्क को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैं हार्डवर्क करती हूँ, मेरे पास जो है उसकी कीमत समझती हूँ। आगे जानवी कपूर ने कहा कि लोग अनुमान लगाते हैं कि मुझे सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया, लेकिन मेहनत करना मेरी प्राथमिकता रही है। मैं अपनी माँ की विरासत को जीना चाहती हूँ, ये घमंड की बात नहीं है बल्कि ये मेरी इच्छा है। इसी के साथ ही साथ जानवी जल्द ही फिल्म दोस्ताना 2, बवाल और मिस्टर एंड मिसेस माही में नजर आएंगी। तो दोस्तों, क्या जानवी की बात से आप अग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड नजर।